For more videos, you can subscribe our channel. For more videos, you can subscribe our channel. جب بھی میں نے بتایا کہ کوئی آتا ہے
तो पहले कहीं मौजूद होता वहां से आता और जिसको भी भेजा जाता उसको कुछ इश्तेहार देकर भेजा जाता है। मैं अगर दुनिया के किसी बड़े आदमी की तरफ से आऊंगा तो दुनिया के इश्तेहार देकर आऊंगा। मसलन अगर मुझे सदर साहब भेजे के मौलाना फलाना इलाके में जा रहा है आप कोई भी तमाम मामला क्या करे आ रहा है वजीर आजम साहब है कि आपको छोड़े आ रहा है तो मुझे अगर सदर भेजे वजीर आजम कोई खास पर्सनैलिटी भेजे जो सुप्रीम हो तो उसके इख्तियार में लेकर आऊंगा। तो जब एक दुनियादार आएगा किसी दुनिया वाले की तरफ तो वो दुनिया के इख्तियार लेकर आएगा। अल्लाह का हबीब चूंकि अल्लाह की तरफ से आया है तो हुजूर अल्लाह के इख्तियार लेने आए। अच्छा फिर मेरे इख्तियार जो होंगे ये दुनिया तक होंगे। मसलन मुझे ये सदर साहब इख्तियार दें कि भाई आपको कुल्ली अंदर इख्तियार है, मैं आकर आप लोगों से कहूं भाई यहां पर मजमे में जितने लोग मौजूद हैं मैं अपने इख्तियार से काम लेता हूं, आज से आप पर दो दो नमाजें माफ कर दी। आप कहेंगे मौलवी साहब जिन्होंने आपको इख्तियार देकर भेजा ये तो उनको भी इख्तियार नहीं है। भाई मेरा इख्तियार दुनिया तक होगा लेकिन नबी चूंकि अल्लाह की तरफ से आता है तो खुदादाद इख्तियार लेकर आता है, लिहाजा नबी को ये इख्तियार हासिल है कि शरीयत का जो हुक्म जिसके लिए चाहे नाफिज कर दें जिसके लिए चाहे मंसूख कर दें। हमारा है सुन्नत का ये मजहब है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नबूवत की हुदूद में मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। चुनाचे इस पर कुरान और सुन्नत क्या कहते हैं मैं इस पर चंद दलील पेश करता हूं। पहले कुरान अल्लाह ताला शाह फरमाता शरीयत में इख्तियार दिया। अल्लाह ताला ने पांच नमाजें फर्ज फरमाई। मैं आपसे कहूं कि भाई आज से आप पर दो नमाजें माफ हैं तो आप कहेंगे मौलवी साहब आपको ये इख्तियार दिया और नबी का इख्तियार मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक देहाती आया मैं मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर फरमा हाथ उठाओ आगे बढ़ाओ बैत इस्लाम को। उसने हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया। फरमाई क्या उसने कहा पहले ये सुन लें कि आप यहां पांच नमाजें मैं पांच नहीं पढ़ूंगा मैं दो नमाजें पढ़ूंगा। अगर दो पर मुझे मुसलमान करते हैं तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। अब अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि हमें तो इख्तियार ही कोई नहीं मैं पांच की दो कैसे कर सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो तुम दो ही नमाजें पढ़ लिया करना मुसलमान हो जाओ। वो मुसलमान हुआ सहाबा देखोगे ये आठ वक्त की पढ़ा। अगर हुजूर को इख्तियार नहीं था तो अल्लाह के नबी ने नमाज कमी कर दी। लेकिन हमारे यहां जुल्म क्या है इस्माइल बेलवी ने तकरीयतुल ईमान में लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद और अली हो उसको किसी चीज का इख्तियार नहीं होता। मारा नमाज में ये नबी का इख्तियार मैंने आपको बताया। नमाज के बाद रोजा इब्ने तैमिया ने सारमुल मसदूर के अंदर लिखा कि हमारा नबी अल्लाह ताला का नायब मुतलक और अल्लाह ने हुजूर को हकाम शरिया अवामिर व नवाही में मुख्तार बनाया। हुजूर जिसके लिए जो हुक्म चाहे शरीयत का नाफिज करे और जो हुक्म चाहे मंसूख करे। रोजा मुझे बताओ एक आदमी जानबूझ कर अगर रोजा तोड़ देता उसका कफारा क्या है? 60 रोजे मुसलसल 60 रोजे भी रखेगा जो एक रोजा तोड़ा इसकी कजा भी करेगा 61 रोजे रखेगा। दरमियान में एक रोजा भी छोड़ा तो गिनती दोबारा शुरू से 61 रोजे जो जानबूझ कर रोजा तोड़ देगा 61 रोजे रखेगा। ये अल्लाह का कानून है लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। एक देहाती हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया बका तो एक रखी अगर साहब या सुनता मैं रोजे से था अपनी बीवी के पास रखा गया रोजा। हुजूर फरमा जाओ 60 रोजे रखो या रसूल अल्लाह 60 रोजे रखने की ताकत होती तो ये एक रोजा कम तोड़ता। अच्छा भाई जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना या रसूल अल्लाह मदीने में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं।
अब हजूर ने ये नहीं फरमा भाई तीसरा तो ऑप्शन कोई है नहीं, ये दो ऑप्शन शरीयत के लिए, हमें इख्तियार कोई नहीं, हम क्या कर सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमा कर दिया, थोड़ी देर गुजरी तो मदीना तैयबा के बागान से खजूरों की एक टोकरी आई, हजूर ने फरमा है ना साहब को सवाल करने वाला कहा है, वो खड़ा हुआ, फरमा जाओ ये खजूरें ले जाओ सारे मदीने के गंदमों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छी याद अल्लाह, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, सरकार रोजे से नबी का करार, आप मैं रोजा रखते हैं, शहरी कब बंद करते हैं, जब तुलू शादी हो जाए, टीवी पे बता देना आज की इंतहाई से है इतने बजे इतने मिनट पर, यानी जब तुलू शादी होती है तो शहरी बंद हो जाती है, तुलू शादी के बाद अजान होती है, अजान के आधे घंटे के बाद सूरज शुरू होता है, यानी तुलू शहर के बाद बताइए आसान फजर के बाद भी अगर कोई रोजा होगा नहीं होगा, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह अल्लाह और खाओ पियो, यहाँ तक के रात किसी डोरी दिन की सफेद डोरी से मुतमैयत हो जाए, मेरी बेटी
वहां का यही नाका होगा, इसी सरकार की बारगाह से सब कुछ होगा। हजरत अली ने आमन्ना व सज्जना कहा, वरना यह आज का होता तो ही जिसका मुंह देख लिया जाए तो सारा दिन रोटी नहीं होती। जिन्होंने बराबरी के इरादे किए बेवकूफों ने, वो क्या कहते, वो कहते भाई अल्लाह ने हुक्म दिया था, अल्लाह का कानून है। ये नहीं जानते कि ये कानून मुझे डायरेक्ट मेरी जेब में डाला गया था, ये कानून नबी के जरिए से, यही तो नबी की जुबान थी कि जिससे कुरान निकला तो नबी ने बताया ये, और यही नबी की जुबान है जिसमें ये कानून हुआ। तो एक ही जुबान पर दो कानून जारी होते हैं, रब का कलाम जारी हो तो कुरान बन जाए, मुस्तफा करीम का फरमान जारी हो तो हदीस बन जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, ये याद रखना चाहिए, ये है अल्लाह के नबी का इख्तियार, हुजूर का इख्तियार। मैंने आपको बताना समझाना सिर्फ ये है, ये तो दुनिया के मामलात में है। अगर हम कुरान और हदीस पर देखें तो जन्नत में भी नबी का इख्तियार, सही मुस्लिम में, किताबुल कुसूस में और मिश्कात में सलातुल कुसूस के बाद में यह हदीस बात मौजूद है। और सूरज को गिरने लगा था कि नबी नमाज पढ़ा, दौरान नमाज को उसने हाथ इस तरह बुलंद किया तो नीचे चल गया, पांव आगे बढ़ाया पीछे चल गया। सहाबा किराम ने नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक अलैहि सलातु सलाम की बात याद की, या रसूल अल्लाह हमने देखा कि आपने अपना हाथ बुलंद किया और फिर नीचे चल गया, पांव आगे बढ़ाया था पीछे चल गया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैंने जन्नत देखी, जन्नत में अंगूरों का एक गुच्छा नजर आया, ऐ मेरे सहाबा अगर मैं वो तोड़ लेता तो कयामत तक खाते रहते, वो कभी खत्म होने का नाम ना लेता। ऐसा अगर नबी को प्यार जन्नत में नहीं है तो जन्नत की नेमत को तोड़ कैसे रहे हैं। तोड़ने का इख्तियार अल्लाह ने, खिलाने का इख्तियार अल्लाह दिया, और साथ ये भी पता चला कि अल्लाह जमीन पर बैठ कर अल्लाह का नबी जन्नत को दे दी। लेकिन मौलवियों ने पता नहीं वो दीवार कहां बनाई हुई है जिसके पीछे बदर हुजूर को दीवार के पीछे कर दी। अब इनसे पूछो कि वो इन्होंने पता नहीं वो दीवार कहां बनाई हुई है जिसके पीछे नबी को नजर नहीं आया। हालांकि सोचने की बात यह है, हुजूर जमीन पर बैठे, जन्नत हमारी जमीन के कितने फासले पर, अजरूबे हदीस जमीन जन्नत से 8,000 साल के फासले पर। हुजूर फरमाते एक आदमी तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाए उसे 8,000 साल लगेंगे जन्नत तक पहुंचने। नबी जमीन पर बैठ कर जन्नत को देख रहे, जन्नत के लिए को देख। बात यह है कि ये नबी का अदब और ये नबी की तारीफ, ये मोहब्बत की बातें वो जुबान करेगी जिसके सीने में अल्लाह का नबी की मोहब्बत मौजूद। मैंने अभी मैं ये बात अक्सर कर रहा कि ये याद रखना चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम, मैं अगर यहां किसी आदमी से मोहब्बत करूं तो मैं ये चाहूं कि आदमी उससे मोहब्बत करें, तो मुझे बताओ मैं उसकी तारीफ आपके सामने करूंगा जब आप मोहब्बत करेंगे, या मैं उसकी बुराई करूंगा तो आप मोहब्बत करेंगे। भाई मैं तारीफ की शख्सियत के मुस्बत पर सामने लाऊंगा तो आप मोहब्बत करने लगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले सुन्नत के पास मोहब्बत और तारीफ से बात कुछ नहीं मिलेगा। इसको अगर इस तरह समझना चाहो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, और आज के नाम में हाथ मुसलमान, ये कहीं काफिरों में तब्दील करने चले जाएंगे और ये ज्यादा कहें कि भाई हम अपने अपने मजहबी पेशवा की तारीफ करेंगे तो उनको जो पसंद आए उसका कलमा पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले हिंदू खड़ा हो जाएगा। तो मैंने हिंदू मत का थोड़ा बहुत मुताला किया, उसमें हमें मिल गया कि हिंदू खड़ा हो जाए तो कहे कि हमारे रामचंद्र जी उनको ताकत नहीं, लिहाजा उसका कलमा मानना चाहिए। यहूदी खड़ा हो जाए कि हजरत मूसा को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि वो जमीन पर लाठी मारते पानी पर, तो पानी दीवारों की तरह खड़ा हो जाता, दरिया में रास्ता बन जाता।
حضرت موسیٰ کا کمال تھا ان کا کلمہ پڑھا، کرسچینٹی کا مطالعہ کرو تو عیسائی یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کو یہ کمال تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے. اب آخر میں آئے مسلمان کی باری، بھائی تو بھی ابھی نبی کی تعریف کرتا کہ آخر مسلمان، تو وہ کہتا ہے نبی جو ہمارے بھی تھے لیکن تھے ہمارے ہی جیسے تھے، اور ہمارے نبی کو نماز کے پیچھے کبھی نہیں مانتا، اور ان کا خیال نماز میں دیتے اور بیل کے خیال سے زیادہ ہو رہا تھا، اور وہ پل شراج سے گرنے لگے تو مولویوں نے مانتا تھا گرنے سے بچانے کا، اور مولوی نہ ہوتے تو انہیں اردو نہ آتی، اور ماض اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو ہمیں کیا نفع پہنچائے. بولو جب یہ بات کی جائے کہ کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کہے گا بھائی ہندوؤں کے رام چندر کو اتنی طاقت تھی کہ وہ لوہے کی کمان کو وہ دیتے تھے، اور مسلمانوں کے ابھی کمان کا یہ بھی انہیں دیوار کے پیچھے کبھی ان کو خبر نہیں. میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی کی تعریف آپ جب کریں گے جب اس کے لیے جب بھی محبت دل میں محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو آپ تعلیم اور ادب کی بات کریں گے. آج کا وہ مسلمان جس کے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی وہ کہے گا بھائی یہ ٹھیک ہے کہ ہندوؤں کے رام چندر ان کو اتنی طاقت دی کہ انہوں نے لوہے کی کمان کو توڑا تھا، لیکن ہمارا نبی وہ تھا جس نے زمین پر کھڑے ہو کر رب کے چاند پر بتایا، ہمارا نبی وہ تھا جس کے اشارے پر سورج چلا کرتا تھا، ہمارا جس کا اختیار سمیر اور آسمان پر تھا مسخر رکھنا اس کے سماوات میں اللہ حبیب ہم نے تمہارے لیے سمیر کو بھی مسخر کیا، آسمان کو بھی تمہارے تابع کیا، آسمان اگر تابع نہیں تھا تو چاند کس کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوا تھا، ارے بھائی سورج کس کے اشارے پر بنا آیا تھا، زمین اگر تابع نہ تھی تو پتھروں نے کلمہ کس کے کہنے پر پڑا تھا، کس کے اشاروں پر درد چل کر آ جاتے تھے. یہ وہ بات کرے گا جس کے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے بطور سے روح و بطور کے ایمان والوں نبی کی تعظیم اور توقیر کرو. قرآن نے ایمان والوں کی قید لگا دی، یہی وجہ کہ آج 1400 سال تک ایمان والے ہی نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، بے ایمان تو اپنی نہیں کرتے کسی کی کیا کرتے. میں نے تو آپ کو سمجھانا اور بتانا سیکھ لیا، یہ دنیا کا اصول ہے، کوئی چیز کسی بڑی ذات کی طرف منسوب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ قابل احترام ہوں، پیر صاحب ہوا ان کا بیٹا آپ کے لیے قابل تعظیم ہوگا تو اس کی نسبت ہمارے پیر سے سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس کو قرآن کی روح سے اگر آپ سمجھو تو دیکھو حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اگر تم میرے نبی کا وسیلہ بناؤ آج میں تمہیں پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے موجزے سے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی کو پیدا کیا. وہ اونٹنی ہے لیکن جب اللہ نے اس کو نا کہا اللہ کی اونٹنی، جب اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو قابل تعظیم ہو گئی، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، لیکن جب وہ بیت اللہ ہوا نسبت چودہ سو چار
کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں نہیں مانتا وہ اصل کنکریاں تو بہت ہی جو راجستھان اسلام نے ماری ہے، یہ میں ان کنکریوں کو کنکریاں نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی نے امامہ باندھا، آج ہم بھی مانتے ہیں، کیا ہم وہی امامہ باندھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے مانتا تھا؟ نہیں بھائی، نہیں۔ تو ہم جب امامہ مانتے تو یہ نہیں کہتے کہ میں اس امامے کو امامہ نہیں مانتا، اصل تو وہ تھا جو نبی نے باندھا۔ قرآن اترا نبی کے اوپر، آج اس قرآن کی نقل ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ڈاکو موجود ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں اس قرآن کو تھوڑی مانوں گا، اصل قرآن تو وہ تھا جو نبی کے اوپر۔ مسجد حرام پہلی مسجد تھی، اس کو دیکھ کر مدینے میں مسجد ربی بنی، پھر آج ڈاکو مسجدیں موجود ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کی مسجد کے اندر نماز پڑھنے تو یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو مسجد نہیں مانوں گا، اصل مسجد تو وہ ہے۔ بات سمجھانے کے لیے اللہ کرے کہ یہ وہاں تک آپ کا فہم پہنچ جائے، جب بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے جو سمجھانا بتانا یہ کہ اصل کی موجودگی میں نقل کا انکار نہیں کیا جاتا، اصل کی موجودگی میں نقل کا انکار نہیں ہوتا، اصل کو دیکھ کر تو نقل کر کو اختیار کیا جاتا ہے۔ بولو، نماز نبی کریم نے پڑھی، حضور کو دیکھ کر صحابہ نے پڑھی، صحابہ کرام کو دیکھ کر ہم نے پڑھی، تو آج ہم اس نماز کا یہ نقل کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل کی موجودگی میں نقل کا انکار نہیں کیا جاتا، تو کعبہ تمنا ایک مسجد تھی، اس کو دیکھ کر ہزاروں مسجدیں بنائی گئی، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ایک قرآن آیا تھا، اس کو دیکھ کر ہزاروں قرآن آپ نے بنائے، اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ تو ولادت پر جبریل نے جھنڈے لگائے تھے، اس کو دیکھ کر آج ہر مسلمان جھنڈا لگاتا ہے، پھر انکار کیوں نہیں؟ اصل کی موجودگی میں نقل کا انکار نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، میں نے جو بات آپ کو سمجھانی اور بتانی ہے بس وہ یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ اصل ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر پہلے ایمان، ہر دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہے، اور یہ ایمان کے تکمیل مکمل ہونے اور کامل ہونے کی علامت اور طریقہ ہے۔ ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ بخاری شریف کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الیہ من والدہ و ولدہ حتی یطمئن قلبہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور جمی انسانیت سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو۔ آج کتنی آسانی سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، چونکہ صحابہ سب سے زیادہ حضور سے کس کو محبت ہے؟ صحابہ کرام کو محبت۔ تو صحابہ کرام نے تو حضور کا ملاد نہیں کیا، تو آپ کو تو صحابہ کرام سے زیادہ محبت نہیں ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آؤ ذرا اس پر ایک دو باتیں کر کے یہ سمجھانے کے لیے، حضرت امام مالک کا نام آپ نے سنا ہو، 90 سال مدینہ شریف میں رہے، حج کیا سر کے، حج کا دن آتا تو اندر گھر میں بیٹھ کر اندر سے کنڈی لگا کرتے تھے، لوگ دروازہ کھلتے کہ حضرت نکلیے ہم آپ کے ساتھ حج کو جانا چاہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک حج فرض تھا، میں نے عمر بھر میں ایک فرض تھا وہ کر لیا، آج صرف اس لیے حج کے لیے نہیں جاتا کہ میں نبی کے مدینے سے باہر بننا نہیں چاہتا۔ 90 سال امام مالک مدینے میں رہے، ساری زندگی کبھی پاؤں میں جوتا نہیں، 90 سال مدینے میں رہے کبھی پاؤں لمبا کر کے نہیں سوئے، 90 سال مدینے میں رہے کبھی چارپائی پر نہیں سوئے، 90 سال مدینے کے اندر رہے کبھی سواری پر سواری نہیں کی، 90 سال مدینے میں رہے کبھی بیچ گلی میں نہیں چلے، 90 سال مدینے کے اندر رہے، بولو برات پیشاب وغیرہ مدینے سے باہر جا کر حضرت امام مالک کرتے تھے۔ مجھے بتائیے جو کام صحابہ نے نہیں کیا، اگر وہ منع ہے تو پھر امام مالک وہ ادب کیوں کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کو ثابت نہیں کیا؟ اگر یہ ثابت ہے مدینے کا ایسا ادب سے آپ سے کیا، ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام نے ایسا ادب کیا ہو، ایسی تعلیم مدینہ شریف۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عالم حضور سے اور حدیث شریف سے محبت کا عالم کے، کہ جب حدیث لکھتے تو اس سے پہلے غسل کرتے، صاف لباس پہنتے، خوشبو سنگاتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے،
इसको आप किसी पैमाने में किसी उसूल पर बांट नहीं सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि भाई खुदा आदमी से तीन दिन मोहब्बत करना और चौथे दिन ना करना। हुजूर पाक ने फरमाया मोहब्बत करने वाले का मामला ये होता है कि जो किसी से मोहब्बत करे उसकी मुश्किल से जमात बनाई थी, लोटा बिस्तर अपनी जेब से देकर भेजा था।
सुन्नी बनाने के लिए आ गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गो अजीजों, बताना सिर्फ ये है कि उस वक्त भी अल्लाह ने अपने नसीब से चार मौकों पर शैतान रोया। जब अल्लाह ने क्रांति करार देकर निकाला, जब दूसरी मरतबा जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर उतारा, तीसरी मरतबा जब सूरह फातिहा हुजूर पर उतरी, चौथी मरतबा जब मेरे मुस्तफा करीम की विलादत हुई, तो पता चला शैतान विलादत पर रोया। या रसूल अल्लाह, आज तक शैतान ही रो रहे, आज तक शैतान ही रो रहे। हमने हर नबी के दुश्मन बनाए जिन शैतान और इंसान शैतान। तिर्मिज़ी में हदीस है कि जब तुम नमाज पढ़ो और कोई आगे से गुजरने लगे तो उसे रोक दो, अगर ना रोके तो फिर मुकाबले हो उससे मुकाबला करो, क्योंकि वो शैतान है। कुरान सुन्नत से साबित हुआ कि इंसानों में भी शैतान होते हैं। बस फर्क क्या होता दोनों में, जो जिन शैतान होगा ना वो एक बार होया था, इंसान शैतान हर बार अपने बदल कर लोगे। जो जो बार तारीफ करी आए चेहरे पर दहशत कर देंगे, चेहरे का साफिया तो करते नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग अजीब अहले ईमान को हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आखिरी बात करूंगा। हुजूर अब पूछते हैं, हुजूर ने अपना मिलाद किया, अरे भाई मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा पढ़ो, मजमाउ सवायत पढ़ो, मुसन्नफ अल-फिरदौस पढ़ो। अम्मा आयशा फरमाती है, तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकर मिलादा हुआ ही थी। अम्मा फरमाती है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने बैठ कर अपना मिलाद किया। तो अगर ये लफ्ज मिलाद हिंदुस्तानियों ने जारी किया तो हम आयशा को हम दिक्कत देकर आए थे, और हमारी तारीख पूछने वालों मिलाद की तारीख पूछने वालों ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। अगर ये लफ्ज मिलाद हम सुन्नी बरेलवियों ने जारी किया तो साबित हुआ हम आयशा के दौर में भी सुन्नी मौजूद थे। ये अंग्रेज के बच्चे बताएं कि ये कब पैदा हुए, इन्हें अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गो अजीजों, देखो जामिअ तिर्मिज़ी सिहाह की मशहूर किताब है, उसमें इमाम तिर्मिज़ी ने पूरा एक बाब बांधा है, बाबो मा जा नबी के नाम से। तो क्या इमाम तिर्मिज़ी को भी हम लेकर आए? मैंने तकरीबन 13-14 मिडिल ईस्ट के सफर किए। पिछले साल दोहा में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो दोहा एयरपोर्ट में जहाज उतरने लगा तो कोई कार्ड देते हैं, एक तरफ से अरबी में होता है, एक तरफ से अंग्रेजी में। तो जहां से अरबी होती है उसको कार्ड को फिल करना होता है, रिकॉर्ड के तौर पर वो रखते हैं। तो जहां डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है अरबी में, उस जगह लिखा होता है मीना। तो जहाज के देवती मुक्त फिक्र के बड़े मशहूर मौलवी साहब थे, मैंने उस पर मार्क किया लफ्ज़े मीलाद पर, और 200 सीट पीछे वो कार्ड मिल रहा। मौलवी साहब ने देखा ये क्या है, मैं उठ के आ गया, क्या लिखा हुआ भाई? मीलाद लिखा हुआ। मैंने कहा हजरत आप तो स्टेजों पर चढ़ चढ़ कर कहते हैं कि सुन्नियों ने जारी किया लफ्ज़े मीलाद, और दोहा वालों को हम लिख कर दे कर आए थे, इनसे ही पूछ ली थी। और मैंने कहा आप दुनिया में पाकिस्तान के अंदर के लोगों को कहते हो कि नबी के मिलाद का सबूत कोई नहीं, कि जहाज वालों को इतनी पड़ी है वो तुम्हारे मिलाद की तारीख पूछते हैं, तो तुम्हारी मिलाद की तारीख तो कन्फर्म हो और नबी के मिलाद की तारीख में छुपा हो जाओ। खुदा जब ठीक लेता है तो अपने ठीक लेता है। मैंने समझाना और पता नहीं था कि वो दूर से आ जाओ। हम ये कहते थे कोई झंडे लगाता है अपने पैसे से, चरागा करता है अपने पैसे से, आप तो बिल्कुल तकलीफ नहीं। कहते भाई पाकिस्तान का गुर्बत हजारों रुपए के झंडे और चरागाहें अगर गरीब में बांट दिए तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करने का क्या क्या सुनियो ने लिया। अभी 27 जनवरी को मौलाना डीजल ने जलसा किया तो 70 लाख रुपया खर्च हुआ, ये गरीबों में नहीं बांटा जा सकता। अभी 2 फरवरी को सारी शयातीन जमा हुए और लतीफा देते हैं आप, दाता के मजार पर नहीं जाओ, राजा के मजार पर नहीं जाओ, अपनी जरूरत पड़े तो कायदे आजम के मजार पर हजार जाएगा। किसी का भी क्या रहता है, इनकी किताबें पढ़कर देखो, इन्होंने किताबों में नबी की कबर को रोजे शरीफ को रोजा जो लिखते ये कबर नबी लिखते। अल्लाह जी कहता है जालिमों को मेरे नबी के रोज कबर में रोजा नहीं कहते, कबर कहते हो, मैं तुम्हारी कलम से तुम्हारे बैलों पर पंपलेट पर मजार लिखवाऊंगा, दलील बनाऊंगा। तुमने तस्वीर किया कायदे मजारे कायदे उन बैलों में लिखाई जाए। बस फर्क इतना है दुनिया फैसला कर ले, हम जिसके मजार पर जाते हैं वो कितने ताकतवर हैं, अल्लाह के बता सकते जिनके पास गए वो कितने ताकतवर। नोट पर से अगर तस्वीर हटा दिया तो राजा आजम को पूछने को कोई तैयार नहीं। मैंने जैसे समझाना और बताना से किए, हमारी मालूम के मुताबिक इस जलसे के लिए जलसियों ने 2 करोड़ रुपया दिया। ये 2 करोड़ रुपया भी अलसिन किया जा सकता था गुर्बत को खत्म करने के लिए। अल्लाह के बंदो, तीन में
पेट कवर से लगाना पड़ता है, जिसके पेट में तेज उल्टी हुई हो वो ये बात आता है, तो डेढ़ मिनट तक का मदरसे में फिर भी आता है भाषा। एक आदमी बोलता है कि हजरत ने अपने मनफूजात में फरमाया कि मैंने शैतान को हुक्का पीने में शामिल किया। आला हजरत की बात को कलाम को समझने के लिए इतना बड़ा दिमाग चाहिए जिसके दिमाग में गोबर और रोड़ा भरा हुआ वो आला हजरत पर बात करता है, तो कयामत का टाइम लेते आओ बैठो बात आए। पहली बात तो ये कि मनफूजात किस जगह है, अगर कोई फर्स अगर है तो हुक्का जो है इसमें संभावना इस्तेमाल होता है, और हुक्का पीना ये मुबाह है, और अगर इसमें बू हो तो पीकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए। तो आला हज़रत के फरमान का मतलब सिर्फ ये है कि मैंने शैतान को इसमें शामिल कर लिया, यानी शैतान हर उस चीज की तरफ जाएगा जिस चीज में शर होगा बुराई होगी। ये मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये क्योंकि उसमें हुक्के में तंबाकू में बू होती, आला फरमाते हैं मैंने उस छू में उस बुराई को शैतान को स्तर हो। और सबसे बुनियादी बात यह है कि हवाला नदारा हवाला होना चाहिए उस पर बात की जाए, फिर हम बताएंगे किसने कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ने को जायज करार दिया, किसने मुहर्रमात अज़लिया से निकाह में जायज करार दिया, और किसने भंग और अफीम पी या नमाज पढ़ाने का फतवा जारी किया, ये हम बताते हैं। वितर में दुआए कबूल के अलावा अगर तीन बार सूरह इख़लास पढ़ गई इसके बारे में शिना फरमाए, तीन की जरूरत नहीं है अगर एक बार भी पढ़ने को, लेकिन वो कहा यह लेते हैं कि दुआए कबूल पढ़ना लाजमी है, लिहाजा ये सूरत उसके लिए है जिसको दुआए कबूल की याद रखा, जितना अरसा दुआए कबूल को याद करेगा अपने अरसे में उलमा फरमाते को कहा फरमाते कि वो दुआए कबूल में सूरह इख़लास पढ़ सकता है, एक बार भी पढ़ लेगा तो सूरत मुकम्मल हो जाएगी, यानी वो कहते हैं पूरी हो जाएगी दुआए कबूल की, लेकिन ये उस सूरत तक के लिए जब तक इस दुआए कबूल याद न, जब तक आप याद करते वक्त लेते उतने अरसे के लिए आपकी जो बेहतर नमाजें होंगी उसकी सूरत का। लोग कहते हैं कि बुरों को बुरा ना बोलो, अच्छा यानी भारतीय और इंडिया से समझो, आप इनसे पूछो अगर बुरे को बुरा ना बोलो अच्छा कहते हैं, अल्लाह के हम तो बुरे को बुरा ही कहा जाएगा, पुराने मजीद में कोई आई का फरूक नहीं, अबू लहाब के लिए पूरी मजहबत में सूरत तो भारी अल्लाह का नाम सूरत हम पर कोई ज्यादा नहीं, ये अजीब लगता है काफिर को काफिर जाना हो चचा जाना है क्या कहें, फजलों का नाम कहने की नहीं कह गया चाचा, कहने का मतलब ये कि भाई काफिर को काफिर ही कहा जाएगा उसको और क्या कहा जाता है, अगर काफिर को काफिर ना कहो हर दुनिया के अंदर काफिर को काफिर ना कहो, काफिर कहकर जो कहते काफिर को काफिर ना कहो, खुदा जब दीन लेता है तो अपने चीन लेता है, कुरान उठाकर देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुम पर हराम चीजें इन नमा हरमा अलैकुम अल-मैतत वद्दमा वलहम अल-खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैर अल्लाह, हमने तुम पर हराम किया कुर्बान बैठा हुआ और खिंज़ीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर वक्त ज़िबा है खुदा का नाम लिया जाए, तो अल्लाह ने हराम नापाक पली चीजों की फहरिस्त भी हुज़ूर को अता फरमाई और पाकीज़ा तैयब चीजों की फहरिस्त भी, तो बुरी चीज को बुरा ही कहा जाएगा उसके लिए और कौन सा नाम आप इस्तेमाल करेंगे, बताना चाहिए कि कुरान और सुन्नत के उसूल हमें बता रहा है, हुजूर नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ अगर आप पढ़ कर देखें पूरा एक बाब बुखारी शरीफ के अंदर बाबुल खवारिज का आपको मिलेगा, बाबुल खवारिज का मुल्हिदीन के नाम है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक में बदतरीन लोग वो हैं खवारिज के जो कुत्तों के हक में उतरी हुई आयतें मुसलमानों को काफिरों के हक में उतरी हुई आयतें ईमान वालों पर पढ़ रही, बहुत से हवाई बयान के दौर में दसियों ऐसे मिलेगी, खुद हजूर अलैहि सलाम के हदीस से ये बात आपको मिलेगी और पता चलेगी कि काफिर को काफिर ही कहा जाए, काफिर को ईमान वाला नहीं कहेंगे, काफिर को काफिर न कहो, पाकिस्तान को पाकिस्तान न कहो, ये बिल्कुल एक गलत और बेकार लफ्ज़ बात है,
जिसका कोई उसूल पता नहीं किस उसूल की कोई कहते थे काफिर को काफिर इसलिए ना कहो हो सकता है आगे चलते वो मुसलमान अल्लाह के बंदो हो सकता में तो बहुत कुछ है हो सकता तू आगे चल के काफिर हो जाए वो कहते हैं इसलिए काफिर को काफिर ना कहो तो हो सकता है जब वो हो अल्लाह ताला को नहीं पता था पूरी सुबह काफिरून उतरी कुरान करीम में तो काफिरून है ही अल्लाह और अल्लाह फरमाता अभी तुम कह रहे हो बोलिया युगल काफिरून है काफिर तो काफिर को काफिर कहना था कि नबी की सुन्नत भी हुआ ना उनकी जुबान से अदा हुआ हमारे यहां चलने मसला ये अभी कहते हैं उनको बुरा नहीं कहना चाहिए और वो इतनी अच्छी जगह पर मौजूद है अगर वो बुरे हैं तो इतनी अच्छी जगह पर क्यों अल्लाह के बंदों कोई किसी अच्छी जगह पर किसी बुरे का काबिज हो जाना ये हक की अलामत और दलील नहीं होता बोलो आज कबला फल बेहतर मुकदस कर यहूदी काबिज है या नहीं फिर उनको अच्छा कहना चाहिए हुजूर की आमद से पहले 300 साल तक बुतों का कब्जा था या नहीं काफिरों का मुशरिकों का उन्हें अच्छा कहना चाहिए 200 साल तक शियों का कब्जा था या नहीं 80 साल तक आगा खानियों का कब्जा था या नहीं 4 साल इनके डेडी जान अब्बा जी यजीद का कब्जा था या नहीं तो अगर किसी अच्छी जगह पर कोई बुरा काबिज हो जाए तो इसके अच्छे होने की अलामत नहीं होती 300 साल वाले नहीं रहे 100 साल वाले भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह दौरान नमाज अगर मोबाइल करिए तो उसका क्या होगा हमले कसर की तारीफ कहा के फरमाते हैं एक आदमी नमाज में ऐसी हरकत करे एक हाथ या दोनों हाथ मैं तौर पर दो हाथ फुकहा लेते हैं कि अगर कोई नमाज के दौरान ऐसी हरकत करे अपने हाथ से कि दूर से देखने वाला ये समझे कि शायद ये नमाज नहीं पढ़ रहा ये अपने कसीर की तारीफ होती है और पिछले में नमाज नहीं तो अगर फुकहा लेते हैं कि अगर दौरान नमाज उलमान ज्ञान कराम से मुसलमान किया गया वो बताते हैं कि दौरान नमाज अगर हल्के से खफीफ से इशारे से मोबाइल अगर बंद हो जाए तो बंद हो सकता है मोबाइल बंद हो जाएगा इससे नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता बात कहीं से यही है कि जब आप घर से मोबाइल को लेकर निकलना नहीं भूलते तो अल्लाह के बंदों मस्जिद में दाखिल होते वक्त बंद करना क्यों भूल जाते यही मोबाइल अगर कहीं लगता भूल जाए तो 10 दफा जब जेब में जो खड़ोते हैं तलाश करते हैं कि कहां गया है इसकी अहमियत का आपको अंदाजा है तो अल्लाह के घर की अहमियत का भी अंदाजा होता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक वक्त आएगा जब मेरी उम्मत पर जब कयामत करीब होगी तो हर घर से बाजे की और गाने की आवाज आएगी मुए मुबारक नानैन पाक और मीलाद पाक की शरीय ऐसी मुए मुबारक हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में इसकी जहां तक शरीय ऐसी इसका तात्पर्य है कि याद रखना चाहिए मैंने आपको बताया हर वो चीज जिसको अल्लाह के प्यारों से नस्बत हो जाए कुरान की रूह से वो काबिल अदब और काबिल तजीम होता है कुरान मजीद में है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया एक पत्थर पर आपके पांव का निशान आ तो कुरान कहता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला मकाम इब्राहिम को जाए मुसल्ला बना आज तक उसके अदा की तजीम की जा रही तो हजरत इब्राहिम का तबर्रुक हो तो उसकी को तजीम की जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का तबर्रुक हो तो काबिल तजीम क्यों नहीं हो सफा मरवा के बारे में कहा गया कि इन्ना सफा वल मरवा का शायर सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से हजरत हाजरा की निस्बत से अल्लाह ने उसे अपनी निशानी करा दिया तो कुरान से ये पता चला हमें युवक से अल्लाह फरमाता है अल्लाह की निशानियों की वो तजीम करेगा जिसके पास कलबे तकवा होगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हमारा है सुन्नत का मतलब ये है कि अल्लाह वालों से ताल्लुक रखने वाली हर चीज काबिले अदब और काबिले तजीम होगी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हुजूर के नाखून और कुछ बाल थे वसीयत फरमाई कि जब मेरा विसाल होने लगे तो ये नाखून और ये बाल मेरे सीने पर रख कर मुझे कब्र में दफन कर दें मैं हुजूर की कब्र में बात को कब्र में ले जाना चाहता हूँ शहीद मुस्लिम में हदीस है हजरत अबू तलहा फरमाते हैं कि नबी करीम ने हज के मौके पर बाल मुबारक कर सुनाया और खुद हुक्म फरमाया कि ये मेरे बाल लोगों में तकसीम कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इतने दलाल मौजूद है कि कई घंटे से हुजूर के मुंह मुबारक पर बात होती कुरान में अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा इसकी तफसीर पढ़कर देख लो दुहा कहते हैं बहुत ज्यादा रोशन दिल को हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मौलवी देव की तफसीर अज़ीज़ी में इस सूरत की इब्तदाई इस आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं वद्दुहा से मुराद वो दिन है जिस दिन हुजूर की विलादत है और अल्लामा इस्माइल अकबी फरमाते हैं वद्दुहा से मुराद हुजूर का रोशन चेहरा वल्लैली इज़ा सजा से मुराद हुजूर की सियाह कलेजे सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह
نالائن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالائن مبارک, اس کی فضیلت کا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوتے, جہاں اللہ کے نبی اپنی نالائن مبارک اتارتے آپ فوراً اٹھاتے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے, صحابہ ادا کرتے تھے نالائن مبارک. ایک اہل حدیث مولوی صاحب ہیں, قوم کے ستار دے دی کتاب کا نام ہے اکرام محمدی, اس میں وہ لکھا ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی حضور سے محبت کرتی ہے اور وہ یہودی حضور سے کی بےحدی گستاخی کرتی, بیٹی نے دعا مانگی اللہ میرا باپ ہے لیکن نبی کریم کا بے ادب ہے, اس کو ایسی تکلیف مبتلا کر دے کہ یہ میرے نبی کی توہین سے باہر آئے. وہ اہل حدیث مولوی صاحب عبد الستار دین نے لکھا ہے کہ باپ سویا صبح اٹھا تو نابینا ہو, بیٹی سے باپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی تو کہنے لگی کہ مدینے میں ایک بہت بڑے طبیب آئے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے دبا لے آؤں, اجازت دے دی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو پیر کا وقت تھا, اللہ کے نبی خواب استراحت میں جلوہ فرما تھے, اس نے سرکار کو جگایا نہیں, کریم کی نالین مبارک پڑی تھی, دونوں نالین کو اس طرح آپس میں مارا کہ پاکیزہ گھر تو غبار نکلا دوپٹے میں باندھا ہوا, باپ کو جگایا اور وہ غبار سلائی میں لگا کر ہاتھوں میں لگایا تو اللہ کی نالین کشمیر بنا ہوتا کراچی, لیکن چونکہ انہوں نے لکھا تھا اس لیے سب حالات اچھے, اور اتنے بے باپ نے پوچھا کہ یہ سرما اتنا اچھا کہاں سے لگتا ہے, آپ بھائی اسی نبی کے پاؤں کے باپ نے جس کی شان آپ چھری دی اور آنکھوں کو توڑ دی, اللہ نے پھر بیماری کی بچہ دیکھتے پھر آنکھوں کو بے نور کر دی, تین مرتبہ اسی طرح ہوا کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اپنی آنکھوں کو بے نور کرتا ہے, ہم نے اپنے حبیب کے پاؤں کی خاک کی برکت سے اس پر دونوں کی ہرا کی. یہ ہوتی ہے کے بعد کا میں مسلمان ہوں, حوالہ نہ ہو اس کتاب میں کسی چوک پر کھڑا کر کے گولی مارنا اس سے بڑی اور بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے کو مولوی اشرف علی صاحب بھارتی جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وزیر اعظم, اس نے پوری ایک کتاب پورا ایک رسالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے کو بارے میں اٹھا کر لکھا, اور اس میں لکھا ہے کہ اس نالے مبارک کی برکات پر اس کا انکار ہو کرے گا تو منکر ہوگا, کم از کم خانوی صاحب کی قبر میں بہت دوڑے چلانے گئی. وہ لکھیں گے عورت دردے سے, خانوی صاحب نے لکھا دردے سے جو بچی کی پیدائش میں تکلیف ہوتی ہے, خانوی صاحب نے لکھا کہ اگر اس میں نال کا نالین مبارک کا کی شبی نقش اگر عورت اپنے ہاتھ میں لے تو اللہ دردے سے کی تکلیف کو دور کر دے گا اور آسانی کر دے گا, کتاب مقام لے لیتے تھے. باقی رہ گیا میلاد کی شریح حیثیت, تو میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث شریف میں آتا کہ اللہ کے نبی نے خود ہم عائشہ سے روایت ہے مجمع الصلایت میں مسلم الفردوس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہم خود فرمانی تضا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا بکر بن لادا ہما ہندی ہم فرمانی خود رسول اللہ نے میرے سامنے اپنا ملا دیا, اور دوسرے تین طرح سے ملا کا سبوت ملتا ہے, ایک تو روزہ اللہ کے نبی گھر کی کیا مطلب صحابہ نے پوچھا کہ آپ اللہ کی کیا مطلب نہ رکھتا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ جشن دار ہم دیوبند ہے اس وجہ سے اس دن ہوا تھا نا تو اس خوشی میں اللہ کے نبی فرماتے میں حبیب کیا روزہ کیوں پی ہے وہ دن تو یہ میری ولادت کا دن ہے, تو اس اعتراض کا بھی جواب مل گیا, کہتے ہیں نا ہر سال تو اللہ کے نبی کی ولادت نہیں ہوتی تو تم ہر سال عید ولادت نبی مناتے ہو, تو ہر حبیب کو تو اللہ کے نبی کی ولادت نہیں ہوتی تو یہ حبیب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حاضر نے فتاوا میں لکھنے کے حضور علیہ السلام نے اپنی اعلان نبوت کے بعد اونٹ سیوا کر کے اپنی ولادت کے دن اس کا گوشت پکا کر غرباء و حضرات کو لنگر کھلایا, کسی نے کہا کہ حقیقت تھا جو حضور نے کیا, امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی نے فتاوا میں جواب دیا عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہر سال نہیں ہوتا, جبکہ حضور کا عقیقہ اور ان کے دادا تک مطلب نے کر دیا تھا, امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کیا, تین طریقے حضور کی ولادت کی خوشی کو منانے کے ہمیں حدیث شریف سے ملتے ہیں, کہ ایک تو حضور نے روزہ رکھ کر یہ منانا, کہتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے اللہ کے بندو جتنے روزے ہم رکھتے ہیں اور کون رکھتا ہے, تم تو رمضان کے روزے رکھتے ہو وہ اللہ کے خوف سے, مار کا خوف نہ ہو تو مرد مزدور کی ڈنڈیاں مارنے لگے, جب رمضان کے روزے فرض کے تم نے رکھے کوئی کمال نہیں کیا, وہ تو تھا ہی فرض, 15 شعبان کا روزہ اہل سنت رکھتے ان کے نزدیک بھی درد
दस मोहर्रम और नौ मोहर्रम का रोजा ऐसे समय पर नहीं रखते, और जो कुछ चक्कर ना आने लगे तो नाम बदल देते हैं, दो रोज बताना सिर्फ ये, दूसरों को मशवरा देना बड़ा आसान है। हमारी आंख का तिरका निकालने वालों अपनी आंख के शैतान को देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वक्त का अहले सुन्नत पर और इसी पर का करीब मौत का फरमाए। वो कहते हैं कि ईद के दिन रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के बंदे, जुम्मा भी तो ईद का दिन है। हमारे नबी से मौता इमाम मोहम्मद पढ़ो, जुम्मे के दिन रोजा रखना हुजूर से साबित। हजरत आदम की विलादत के दिन, तखलीक के दिन, पैदा होने के दिन रोजा रखना जायज है, तो मुस्तफा करीम की विलादत के दिन रोजा रखना क्यों ना जायज? कुरान ये कहता है कि जब भी कोई दावा नफी में करेगा तो दलील उसको देना चाहिए। 6666 आयत है कुरान पाक में, किस आयत में अल्लाह ने मना फरमाया कि काम ना करें? तशरीह का हदीस का ज़खीरा हुआ कि हाथ में कहा मना किया गया उनको फरमाना। सहाबा कराम में दसियों काम ऐसे किए जिनका कुरान सुनने से कोई सुकून नहीं मिलता। बुखारी शरीफ में हदीस है, उनको वुज़ू फरमाते, सहाबा को की कुंजी को दफन पर नहीं कर लेते थे, अपने हाथों पर ले लेते थे। उसके बाद से आधी उंगली डुबोते पलते और चेहरे पर बैठे, जिसको तरीना मिलने को मसाज करता हो। अब मुझे बताओ कुरान में किस जगह अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे मोहब्बत करना कि उंगली जमीन पर ना करते थे? किस हदीस में हुजूर ने फरमाया मेरे से हबीब से ऐसे मोहब्बत करना, हुजूर ने फरमाया उससे ऐसे मोहब्बत करना कि मेरी उंगली जमीन पर ना करते? सहाबा के पास मोहब्बत के इस अंदाज के लिए कोई दलील थी कुरान में? सुनकर आप पूछेंगे तो यही सदा आएगी, दलील वो मांगेगा जो मुनकर है, हमने मोहब्बत की है और मोहब्बत में से दलील नहीं होता है। हुजूर ने वादे तौर पर फरमाया जो मोहब्बत करेगा मन अहब्बा सैयद अक्सर जिक्र, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले का जिक्र है। दूसरा फरमाया जो किसी से मोहब्बत करेगा हुक्म कशैया यूं नहीं मजूस, ना अपने महबूब की ऐब देखना पसंद करेगा ना सुनना पसंद करेगा। मोहब्बत को किसी कायदे में किसी पैमाने में बांधा नहीं जा सकता। सहाबा के दौर को देखो तो सबकी मोहब्बत के अंदाज जुदा नजर आएंगे। एक सहाबी के हजरत नौमान उनकी मोहब्बत का आलमगीर था, इमाम बेबी दिलाल महमूद में लिख लेंगे, मौसम का जो भी पहला खत आता ना उसे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाता है, या सोचा ये मेरी तरफ से हुजूर दे। कुछ दिनों के बाद फल वाला आता तो उसको लेके हुजूर की बारगाह में दिया, सुनता बोलो उस दिन आपने फल खाया था उसकी कीमत पता करते वो फल वाला था, हुजूर फरमाते तुमने तो तोहफा दिया था। या सोचा मेरे तो पैसे नहीं थे लेकिन दिल ये जानता था कि मौसम का जो भी पहला खत हो वो मेरा नबी खाए, हुजूर मुस्कुराते उसकी कीमत दे देते। सहाबा कराम की दीवानगी जरा पढ़कर तो देखो अल्लाह के नबी से कैसे थे, वो हमारी तरह नहीं थे, चुनके चुनाचे थे कि भले के यूं नहीं था यूं था उस तरह नहीं था। अल्लाह के बंदो मोहब्बत करने वाले दलील की मोहब्बत, हर वो जायज तरीका जो कुरान सुन्नत से मुतसादिर ना हो मोहब्बत का वो इख्तियार किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला को उस इस्लाम की मोहब्बत पर जिंदा रखे और इसी से मोहब्बत फरमाए। बाहर अल्लाह वालों ने Thank you.